फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप पीडीएफ फाइल को ऑफलाइन में क्रिएट कर सकते हैं एक सॉफ्टवेयर के थ्रू। फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे आप ऑनलाइन में पीडीएफ फाइल क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, आप मेरा वो वीडियो देख लीजिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं पीडीएफ फाइल होता क्या है। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में भेजने के लिए आजकल बहुत सारे पीडीएफ का यूज होता है। पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। सपोज हम मान लेते हैं कि हम एक डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड 2007 में तैयार किया है, लेकिन फ्रेंड्स हम जिसको वो फाइल चेंज करना चाहते हैं उसके सिस्टम में एमएस वर्ड 2007 अवेलेबल नहीं है। सो फ्रेंड्स, ऐसे में वो फाइल वहाँ पर ओपन नहीं होगी, लेकिन अगर हम इसे पीडीएफ में कन्वर्ट करके सेंड करते हैं तो वह इजीली ओपन हो जाएगा। या फिर फ्रेंड्स, हम किसी डॉक्यूमेंट को हिंदी में सेंड करना चाहते हैं तो सामने वाले के सिस्टम में हिंदी फॉन्ट अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे में अगर हम उसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर दें तो वो ऐसे इजीली ओपन हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आप इस पीडीएफ फाइल को किसी भी स्मार्टफोन, किसी भी लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप या फिर किसी भी ब्राउजर पर रन कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये होता है पीडीएफ। सो फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं कि पीडीएफ फाइल को ऑफलाइन में कैसे क्रिएट किया जाए। सो फ्रेंड्स, पीडीएफ फाइल का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए तो सबसे पहले आपको गूगल पर जाना होगा और वहां पर आपको सर्च करना होगा पीडीएफ 24। तो सर्च करने के बाद गूगल पर जो दूसरा वाला ऑप्शन आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। एक आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पर जो आप डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहे हो, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको तीन तरह के सॉफ्टवेयर मिलेगा, एक मिलेगा प्राइवेट, एक बिजनेस और एक मिलेगा एमएसआई। तो आपको बिजनेस को ही डाउनलोड करना चाहिए तो आप बिजनेस पे क्लिक कीजिए। तो फ्रेंड्स, क्लिक करने के बाद अब वह डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं मेरा डाउनलोड होना शुरू हो गया है। देखिए, मेरा यह अब डाउनलोड हो रहा है। मैं अभी इसे पॉज कर देता हूँ, मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, डाउनलोड हो जाने के बाद अब इसे इंस्टॉल कैसे किया जाए ये देख लेते हैं। तो इस पर डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पर रन पर क्लिक कीजिए। एंड देन उसके बाद यहाँ पर आपको एक्सेप्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट, फिर इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद आप देख सकते हो कि इंस्टॉल हो रहा है। और फ्रेंड, इंस्टॉल हो जाने के बाद यहाँ पर आपको कुछ आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी और पासवर्ड देना पड़ेगा। आप चाहे दे भी सकते हो या फिर इसे स्किप भी कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर स्किप कर देता हूँ। एंड देन उसके बाद फिनिश करना है। अब देख लेते हैं कि इसे कैसे यूज़ किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसको ओपन करते हैं। तो फ्रेंड्स, ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको जो पहला वाला ऑप्शन दिख रहा है पीडीएफ क्रिएटर, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा वाला ऑप्शन। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आर से आप अपने फोल्डर को, मतलब जो फाइल आप कन्वर्ट करना चाहते हो उस फाइल को आप चूज कर लीजिए। तो मैं यहाँ से इस फाइल को चूज कर लेता हूँ और यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप का कंडीशन है। यहाँ पर आपको यहाँ से खींच के यहाँ पर रख देना है तो ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया है और आप यहां से चाहे इसे सेव भी कर सकते हैं। तो देन यहां पर आप इसको कुछ नाम भी दे सकते हैं या फिर खाली छोड़ सकते हैं। तो यहां पर आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। तो इसके बाद यहां पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। एंड देन उसके बाद आपको फाइल चूज करना है कि कहाँ पर आपको इसे सेव करना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किसी भी फाइल में सेव करके मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा और सेव भी हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अब हम आपको दिखा देते हैं कि जो फाइल मैंने सेव किया है वो पीडीएफ में कन्वर्ट हुआ या नहीं। देख लीजिए फ्रेंड्स, मेरा फाइल जो था मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट कर लिया है।
आई होप गाइस कि आप जान गए होंगे कि कैसे ऑफलाइन में पीडीएफ फाइल को क्रिएट किया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।